गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एंड आई विल बेग पार्डन बिकॉज कल रात को आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम थी एयरटेल की और इस वजह से वो 8 बजे तक नहीं हो पाया, तो फिर मैंने 10 बजे उसे किया। एनीवेज, ये 6th सेट है आपका सुपर 60 प्रैक्टिस सेट सेट। हम आगे बढ़ें उसके पहले जो पेपर्स अभी तक सीजियल के हुए हैं आप देख रहे होंगे कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन न के बराबर दिया जा रहा है। सब आपको क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के सेट्स हैं उन्हीं में से रिपीट किया जा रहा है। नॉर्मल वर्ड्स दिए जा रहे हैं, एग्जॉटिक जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो आप जानते हैं। ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो धैर्य रखें। इंग्लिश बहुत बढ़िया आपका हो सकता है और उसके लिए बस करना क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस करें आप, तो निश्चित ही आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं 6th सेट, छठवां सेट। लेट्स बिगिन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉमन एरर, कॉमन एरर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। It was during the reign of Elizabeth I that Britannia, ये ब्रांड है, that Britannia came to be viewed as a personification of Britain. It was during the reign of Elizabeth I, यानी Elizabeth I के शासन के दौरान, that Britannia, ऐसा हुआ कि जो Britannia ब्रांड था, came to be viewed, यानी उसे माना गया, उसे देखा गया किस रूप में, as a personification of Britain, ब्रिटेन के personification, ब्रिटेन के रूप में ब्रिटानिया को माना गया। देखिए ना, मैं यूज है came to be viewed है और view के साथ as का प्रयोग है। जैसा कि आपको याद होगा, चाहे view का प्रयोग करें, चाहे mention का प्रयोग करें, चाहे treat का प्रयोग करें, चाहे record का प्रयोग करें, पोर्ट्रे का प्रयोग करें, डिपिक्ट का प्रयोग करें, प्रेजेंट का प्रयोग करें, तो इसके साथ हमें एज लेना होता है यदि ये शो किया गया है कि किस रूप में वो चीज दिखाई जा रही है। तो क्या एरर है यहां पे? इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, या दैट ब्रिटानिया केम टू बी व्यू, या एज अ पर्सनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, क्या है? निश्चित ही सॉल्व करें, मेहनत करें, क्वेश्चंस निश्चित ही आगे आपके काम आएंगे अगर आप चाहते हो बेटर मार्क्स अक्वायर करना। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, कोई एरर नहीं है यहां पे। दैट ब्रिटानिया केम टू बी व्यू, दैट सही है, ब्रिटानिया सही है, केम टू बी, केम टू बी, अगर टू बी है तो टू बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आए? यू विल हैव टू टेक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो ब्रिटानिया केम टू बी व्यूड हो जाएगा, यानी यहां व्यू नहीं होगा, व्यूड हो जाएगा। तो इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ दैट ब्रिटानिया केम टू बी व्यूड एज अ पर्सनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। टू बी है, टू बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, न कि फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर वो वर्ब दी गई है वहां पे। तो जैसे आपको कहना हो ही इज नोन टू बी, ही इज नोन टू बी, अब अगर इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो मैटर खत्म हो जाता है। बट यहां केम टू बी है और इसके बाद वर्ब है, तो ये हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव स्ट्रक्चर की वजह से। ओके, लेट्स बिगिन सेकेंड क्वेश्चन। एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स एगो इन यूरोप रिवील स्टार्च रेसिड्यू, रेसिड्यू मीन्स अवशेष, बचे हुए हिस्से, स्टार्च समझते होंगे, मार्क को कहते हैं आप, तो रिवील स्टार्च रेसिड्यू ऑन रॉक्स, यानी उसके अवशेष बचे हुए थे चट्टानों पर, यूज्ड फॉर पाउंडिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स को पाउंड करने के सेंस में, अर्थात घेरने पीसने, इनके यूज में उसका प्रयोग किया जाता था। फिर से, एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स एगो इन यूरोप रिवील स्टार्च रेसिड्यू ऑन रॉक्स, यानी रॉक्स पर स्टार्च के अवशेष के बारे में वो रिवील करते हैं।
यूज्ड फॉर पाउंडिंग प्लांट, जो प्लांट्स को पाउंड करने अर्थात उन्हें घेरने पीछने के सेंस में प्रयोग किया जाता था। क्या है एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स एगो, सही है ईयर्स एगो 30,000 है तो ईयर्स होगा इन यूरोप, सही है रिवील स्टार्च रेसिड्यू ऑन रॉक्स, गलत है क्या कुछ? देखिए सबसे अधिक क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको दिए जाते हैं एग्जाम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या है हमारा एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स है, 30,000 ईयर्स है वो यूरोप में जो एविडेंस है यानी जो प्रमाण है, तो एविडेंस यहां सिंगुलर है तो फिर रिवील कैसे होगा, क्या हो जाएगा रिवील हो जाएगा, तो एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स एगो इन यूरोप रिवील्स या रिवील्ड भी हो सकता है पर रिवील नहीं होगा कभी, तो रिवील्स स्टार्च रेसिड्यू ऑन रॉक्स यूज्ड फॉर पाउंडिंग प्लांट्स, यानी यहां रिवील नहीं होगा, ये एविडेंस सिंगुलर है इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब लेनी होगी रिवील्स हो जाएगा। ग्लूटेन gives elasticity to dough, keeps its shape and often give the final product a chewy texture. Texture means बनावट ढांचा, चिवी समझते हैं चीव करने लायक चबाने लायक, shape अगर आप समझते हैं तो gluten, gluten means लाशा होता है जो चिपकने वाला पदार्थ होता है, तो gluten gives elasticity लचीलापन, ग्लूटेन गिव्स इलास्टिसिटी टू डव, डव मीन्स क्या होता है जो आटे का लोथरा होता है गुथा हुआ आटा होता है उसे डव कहते हैं, तो ग्लूटेन गिव्स इलास्टिसिटी टू डव कीप्स इट्स शेप, कीप्स देखिए सही है ग्लूटेन सिंगुलर है कीप्स, कीप्स इट्स शेप एंड ऑफन गिव द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ चिवी टेक्सचर, और अंत में उसे चबाने लायक ढांचे में क्या कर देता है परिवर्तित कर देता है। देख रहे होंगे आप ग्लूटेन सिंगुलर तो ग्लूटेन गिव्स सही है, इलास्टिसिटी सही है, टू डव सही है, कीप्स सही है, कीप्स इट्स शेप सही है, इट्स सही ग्लूटेन के लिए इट्स लगाएंगे, कीप्स इट्स शेप एंड ऑफन गिव, ये गिव किसके लिए है ये गिव भी ग्लूटेन के लिए, अगर ये भी ग्लूटेन के लिए है तो फिर गिव कैसे हुआ क्या हो जाएगा, यहां गिव्स है यहां कीप्स है तो यहां भी क्या हो जाएगा गिव्स हो जाएगा, यानी बी पोर्शन में आपके एरर है। सेंटेंस फिलर्स है आपके पास, ड्यू टू हेवी रेन्स वाटर हैड डैश इन द लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज निचले नीचे की जमीन होती खाली जमीन होती उनमें, तो ड्यू टू हेवी रेन्स वाटर हैड गैदर्ड, वाटर हैड स्टैग्नेटेड, वाटर हैड Entered, water head assembled. क्या Gathered होगा Stagnated होगा Entered होगा Assembled. आना चाहिए प्रश्न आपको Due to heavy rains, भारी बरसात के कारण water head gathered. Gather क्या होता है कहीं पे कोई gathering है भीड़ है छोटी मोटी उसको gathering कहते हैं, आपने किताबों को इकट्ठा कर दिया है तो उसकी गैदरिंग होगी कलेक्शन भी हो सकता है वो। स्टैग्नेटेड क्या होता है जब कोई पानी वगैरह कहीं पे इकट्ठा जम जाए रुक जाए तो पानी स्टैग्नेटेड हो जाता है, हम किसकी बात कर रहे हैं हम वाटर की ही बात कर रहे हैं ना, तो ड्यू टू हेवी रेन्स यानी हेवी रेन्स के कारण वाटर हेड क्या हो जाएगा वाटर हेड स्टैग्नेटेड यानी वाटर जो है वो जम गया था रुक गया था इन द लो लाइंग एरियाज यानी वो जमीन वो क्षेत्र जो लो लाइंग थे अर्थात नीचे की तरफ थे वो उन क्षेत्रों में पानी क्या हो चुका था स्टैग्नेटेड हो गया था जम गया था। एंटर क्या होता है प्रवेश करना हो सकता है बट अगर हम कहें ड्यू टू हेवी रेन्स तो ऑलरेडी हेवी रेन्स कब का वो प्रवेश कर चुका हो प्रवेश करने के बाद ही वो क्या करेगा स्टैग्नेटेड करेगा इसलिए ये बेस्ट होगा। असेंबल्ड क्या होता है जब आप अलग अलग पार्ट्स को लेकर के उन्हें आपस में आप जोड़ते हो तब वो असेंबल करता है, अगर आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हो डेस्कटॉप खरीदना चाहते हो आप
और आप कहते हो ये हमें इंटेल का इसका प्रोसेसर चाहिए, इसका हमें उषा का हमें इसका चिप चाहिए या किसी और का चिप चाहिए, तो फिर आप उसे असेंबल करा रहे हैं। यहाँ पे असेंबल का कोई यूज नहीं, या फिर किसी विशेष मकसद के लिए लोग अगर इकट्ठे होंगे असेंबली है तो वो असेंबल करना होता है। यानी ड्यू टू हेवी रेन्स वाटर हैड स्टैग्नेटेड हो जाएगा, यानी यहां जम जाने के सेंस में, इकट्ठा होने के सेंस में। नेक्स्ट है आपका द प्लान इज वर्थ कंसीडरिंग। द प्लान यानी जो योजना है इज वर्थ कंसीडरिंग, ये ऐसी है जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। वर्थ कंसीडरिंग यानी कंसीडर मीन्स विचार करना, तो द प्लान इज वर्थ कंसीडरिंग यानी जो आपकी योजना है वर्थ कंसीडरिंग, विचार करने योग्य है। ठीक है, थिंक सोचो आप, इट डैश केयरफुल कैसे सोचो आप, थिंक इट ऑफ केयरफुली या थिंक इट ऑन केयरफुली या थिंक इट ऑफ केयरफुली या थिंक इट ओवर केयरफुल, क्या अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स तैयार हो आपकी तो कर सकते हैं आप। द प्लान इज वर्थ कंसीडरिंग यानी जो प्लान है वो वर्थ कंसीडरिंग है, विचार करने योग्य है। थिंक इट क्या होगा, कौन सा यहां प्रीपोजिशन आपका सही है, क्या होगा, याद आ रहा है, थिंक ऑफ नहीं होगा। थिंक ऑफ क्या होता है, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ योर ब्रदर, यदि आप अपने भाई के बारे में सोच रहे हैं तो यू आर थिंकिंग ऑफ हिम। ठीक है, थिंक ऑन क्या होता है, कोई मतलब नहीं ऐसा कुछ है, थिंक ऑफ नहीं होता है, थिंक ओवर होता है। थिंक ओवर क्या होता है, किसी चीज पर गहन विचार करना, ब्रूड कर। दिस इज तो द प्लान इज वर्थ कंसीडरिंग, थिंक इट ओवर केयरफुली यानी इसके ऊपर सावधानी पूर्वक क्या करो आप, विचार करो। तो यहां पे थिंक ओवर हो जाएगा, थिंक ओवर विचार करना, गहन विचार। सिनोनिम है आपका हाउंड। हाउंड का सिनोनिम क्या होगा, क्रिटिक होगा, आलोचक। हाउंड का सिनोनिम माइग्रेट होगा, पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। हाउंड का सिनोनिम बीगल होगा, छोटा शिकारी कुत्ता। हाउंड का सिनोनिम वेरिएबल होगा, मीन्स जो अलग अलग हो सकता हो, वेरी कर सकता हो, भिन्न हो सकता हो, भिन्न होने योग्य हो, वो वेरिएबल है। क्या यानी इसके लिए जरूरी क्या है, क्या पहले जाने कि हाउंड क्या होता है, यही ना। तो हाउंड क्या होगा, हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ते ही होते हैं। तो अगर हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ते ही होते हैं तो हाउंड का सिनोनिम बीगल हो जाएगा, जिसके मीन्स भी छोटे शिकारी, छोटा शिकारी कुत्ता होता है, तो हाउंड का सिनोनिम बीगल हो जाएगा। क्रिटिक आलोचक को कहते हैं। माइग्रेट पलायन करना, और वेरिएबल समझते हैं, वेरी से बना है, मीन्स भिन्न भिन्न होने योग्य। तो हाउंड का सिनोनिम बीगल। नेक्स्ट सिनोनिम है आपका एम्बार्गो। एम्बार्गो का सिनोनिम बैरियर होगा, प्रिस्क्राइब होगा, कंफर्ट होगा या जस्टिफाई। बैरियर क्या होता है, अवरोध को, किसी चीज के बैन को बैरियर कहते हैं। प्रिस्क्राइब क्या होता है, निर्धारित करना, जैसे आपका कोर्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। कंफर्ट जो ईश्वर करे आपको लाइफ में मिले, मीन्स आराम, जॉब वगैरह आप पा जाए और आप कंफर्ट पाए लाइफ में। जस्टिफाई क्या होता है, किसी चीज को सही ठहराना, न्याय संगत ठहराना, समझ सकते हैं। जस्ट को आईएफआई लगा के वर्ब बना दिया गया, तो किसी चीज को न्याय संगत ठहराना, सही ठहराना जस्टिफाई। फिर वही प्रश्न है, क्या हम इम्बार्गो में जानते हैं, अगर हम इम्बार्गो जानते हैं तो हम इसका आंसर भी जानते हैं। इम्बार्गो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे होंगे अमेरिका ने कई सारे देशों से कहा कि आप ईरान से अपना व्यापार ना करो, हम बैन लगा रहे हैं। तो जब भी आप किसी विशेष देश पर सामानों के आयात निर्यात का बैन लगा देते हैं तो वो इम्बार्गो करना होता है, मीन्स निषिद्ध कर देना, रोक लगा देना, बैन कर देना, अर्थात घाट बंदी कर देना, यानी व्यापारिक लेन देन का काम किसी देश विशेष के साथ बंद करना,
एम्बार्गो कहलाता है। तो वो कंफर्ट तो नहीं होगा, वो प्रेस्क्राइब नहीं होगा, वो जस्टिफाई नहीं होगा। एम्बार्गो का सरनेम बैरियर होगा। बैरियर भी वही होता है क्योंकि बी ए आर बार में जानते होंगे अवरोध उत्पन्न करना होता है, उसी से बैरियर बन गया, मीन्स अवरोध यानी रुकावट यानी निषेध। ये चीज एम्बार्गो का सरनेम हो जाए। नेक्स्ट एंटोनिम है आपका डिसिडेंस। आप वर्ड को देख करके आप इसका आंसर तलाश कर सकते हैं। इसको केयरफुली आप वॉच करें और फिर चारों वर्ड्स को देखें। एक डिसिडेंस है जो मेन वर्ड है आपका, एक है डिसएग्रीमेंट, एक है नेग्लिजेंस, एक है एग्रीमेंट और एक है कॉन्फिडेंस। कौन सा सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहां सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है कि ये वर्ड इसका एंटोनिम हो सकता है? उसके लिए भी सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि डिसिडेंस की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले ये वर्ड्स देख लेते हैं। डिसएग्रीमेंट क्या होता है? इफ यू डू नॉट एग्री विद समवन तो ये आपका डिसएग्रीमेंट है, असहमति है। एग्रीमेंट क्या होता है? व्हेन यू मेक अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन, जब आप किसी से समझौता कर लेते हैं या फिर अपना एग्रीमेंट दे, सहमति दे देते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट होता है। नेग्लिजेंस क्या होता है? When you are showing recklessness or carelessness, जब आप किसी चीज के प्रति लापरवाही दिखाते हैं तो वह negligence होता है। और confidence क्या होता है? Confidence आपके विश्वास को कहते हैं। तो फिर हमारा प्रश्न यही होगा कि dissidence क्या होता है? Dissidence अविश्वास को कहते हैं। जब आपको खुद पर विश्वास न हो, जब आपको खुद पर कहीं कहीं शर्मिलापन हो, shyness आपके अंदर हो, यह है dissidence है। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और यह डिसिडेंस है तो फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस, जब आपको खुद पर क्या हो, विश्वास हो, तो डिसिडेंस का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम के रूप में फेल्ड। फेल्ड का एंटोनिम आपको ढूंढना है। फेल्ड का एंटोनिम स्पेरियस होगा, फेल्ड का एंटोनिम स्ट्रांग होगा, फेल्ड का एंटोनिम सेनविन होगा या फेल्ड का एंटोनिम डिसऑनेस्ट होगा। स्पेरियस नकली को कहते हैं, जो चीज नकली होती है वो स्पेरियस है। जेनविन जो असली है, शुद्ध है, वो जेनविन है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। स्ट्रांग तो आप हैं ही। डिसऑनेस्ट जो आप कभी ना बने, हमेशा ऑनेस्ट रहें, अपने कार्य के प्रति ऑनेस्ट रहें। तो फेंड मींस क्या होता है? फिर वही प्रश्न है कि क्या हम जानते हैं फेंड क्या होता है? फेंड मींस बनावटी होता है, जो चीज आर्टिफिशियल होता है, बहानेबाजी से भरा होता है, वो फेंड होता है। तो अगर फेंड मींस नकली होता है, बहानेबाजी से भरा, प्रिटेंशन से भरा है आपका, तो फिर जेन्युइन मींस क्या हो जाएगा? असली हो जाएगा। तो फेंड का एंटोनिम जेन्युइन हो जाएगा, स्पूरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्ट्रांग का कोई रिलेशन नहीं आपका है, डिसऑनेस्ट अलग वर्ड है, मीन्स डिसऑनेस्ट मीन बेईमान। तो फेंड बनावटी, तो जेन्युइन असली। इडियम्स है आपके विद वन वॉइस। विद वन वॉइस, जैसे कोई कहे दे अपोज्ड द बिल विद वन वॉइस, तो क्या कहना चाहेंगे विद वन वॉइस को? यूनैनिमसली कहना चाहेंगे, वेहमेंटली कहना चाहेंगे, लाउडली कहना चाहेंगे या स्ट्रॉन्गली कहना चाहेंगे? यूनैनिमसली मीन्स होता है एक रूपता से, एक मत होकर के। इफ यू आर शोविंग योर व्हाट कॉन्फिडेंस इन समवन यूनैनिमसली, इट मीन्स आप अपना विश्वास उसमें एक रूप होकर के प्रदर्शित कर रहे हैं। तो विद वन वॉइस का क्या हो जाएगा? यही होगा ना, यूनैनिमसली। यूनैनिमसली मीन्स एक रूप में, एक स्वर में, एक सहमति में जो आप कार्य करते हैं वह यूनैनिमस होता है, विद वन वॉइस होता है। वेहमेंटली क्या होता है? फर्वर के साथ, वर्ब के साथ, यानी बहुत अधिक एंथुजियाज्म के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं, जोरदार तरीके से करते हैं, उत्साह पूर्वक करते हैं, तो वो वेहमेंटली होता है। और स्ट्रांगली समझते होंगे, मजबूती से। तो विद वन वॉइस का हो जाएगा यूनैनिमसली, मीन्स एक मत होकर के, एक स्वर में। ट्रम्प्ड अप,
बचपन में अक्सर जब आप स्कूल से वापस आया करते थे और आपने सारी पीरियड्स अटेंड नहीं की होती थी तो आप अक्सर ट्रंप अप करते थे। तो ट्रंप अप करते थे मीन्स क्या, आप ट्रांसलेट करते थे चीजों को, या कंकॉक्ट करते थे चीजों को, या सेंग विद द म्यूजिक ऑफ अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट समझते होंगे, तुरही को कहते हैं, जो वैसे ट्रम्पेट हाथी की जो साउंड होती है आवाज उसको भी कहते हैं। तो क्या आप म्यूजिक ऑफ ट्रम्पेट को गाया करते थे या कॉपी करते थे, मीन्स नकल करते थे, क्या करते थे? सबसे पहले हमको जानना होगा ट्रम्प अप मीन्स होता क्या है। तो मैंने हिंट दिया आपको कि जब आप स्कूल से आया करते थे तो आप ट्रम्प अप करते थे अगर आपने अपनी सारी पीरियड्स अटेंड नहीं की होती थी। मीन्स आप क्या करते थे, आप बहानेबाजी करते थे, कोई चीज मन गढ़ंत बना लेते थे, कोई कहानी गढ़ लेते थे आप। तो ट्रम्प अप कहानी गढ़ लेना, अपने से कोई बहाना बना लेना। तो ट्रम्प अप ट्रांसलेट का तो बहाना बनाने से कोई मतलब नहीं, कंकॉक्ट है मीन्स कहानी बना लेना, मीन्स कोई कहानी गढ़ लेना। तो ट्रम्प अप कंकॉक्ट मीन्स कहानी गढ़ लेना, कोई अपने से ऐसा बहाना गढ़ लेना ताकि आप उससे बच सकते हो। तो ट्रम्प अप कंकॉक्ट, चूंकि ये पास्ट है ये भी पास्ट दे दिया गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट तक आ चुके हैं हम लोग। आई वॉज नॉट नोविंग द एंसर सो आई ओमिटेड द क्वेश्चन। आई वॉज नॉट नोविंग द एंसर, मैं एंसर को जान नहीं रहा था, सो आई ओमिटेड द क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ही क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, हटा दिया मैंने उससे। ओमिट मीन्स विलुप्त कर देना, हटा दे। क्या होगा, आई हैड नॉट नोविंग होगा, आई एम नॉट नोन होगा, आई डिड नॉट नो होगा, या ये आंसर ऑलरेडी सही है, आई वॉज नॉट नोविंग द आंसर, नो इंप्रूवमेंट है आपका, क्या सही हो? जब भी आपने टेंस पढ़ा होगा, जैसे भी जहां भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स को उसी रूप में आप कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप नहीं यूज करते हैं। अगर आप एग्री की बात करें, अगर आप डिसएग्री की बात करें, अगर आप बिलीव की बात करें, अगर आप डिसबिलीव की बात करें, अगर आप कॉस्ट की बात करें, अगर आप प्रीफर की बात करें, अगर आप ओन की बात करें, अगर आप हैव की बात करें, अगर आप लव की बात करें, अगर आप हेट की बात करें, अगर आप अवॉइड की बात करें, अगर आप कई सारे माइंड की बात करें, वर्थ की बात करें, कई सारी ऐसी वर्ब्स होते हैं। इवन कुछ सेंसेस में अगर आप टेस्ट की बात करें, स्मेल की बात करें, लुक की बात करें, ये ऐसी वर्ब्स हैं। सी की बात करें, उस सेंस में थिंक की बात करें, हियर की बात करें, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं। फील की बात करें, जिन्हें आप कंटिन्यूअस में उसी सेंस में यूज नहीं कर सकते। अगर आप सी का प्रयोग आईएनसी के सेंस में करते हैं तो नॉर्मली वो मिलने के सेंस में हो जाता है। अगर थिंक का प्रयोग आप आईएनजी के रूप में करते हैं तो नॉर्मली वो महसूस करने या लगने के सेंस में हो जाता है। जैसे आपको कहना हो कि मुझे लग रहा है कि वो आ रहा है, तो आप ये समझें इस लगने में और सोचने में फर्क होता है। अगर आप थिंक का प्रयोग सोचने के अर्थ में करें कि आप लगातार सोच रहे हैं, तो आई एम थिंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थिंक का प्रयोग फील करने के सेंस में कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा भाई आ जा रहा है, और आप बोलें आई एम थिंकिंग दैट माई ब्रदर इज कमिंग टूडे, ये वाक्य गलत होगा, आई थिंक हो जाए। अगर आप कहें मैं उसे देख रहा हूं, तो आप कहें आई एम सीइंग हिम, गलत हो जाए। या तो आप करें आई एम लुकिंग एट हिम, या आई कैन सी हिम, या आई सी हिम, तब सही होगा। मेरा मतलब क्या है, नो, बिलोंग और अंडरस्टैंड, ये तीन सबसे अधिक दी जाने वाली वर्ब्स हैं जो आईएनजी में आपको दी जाती हैं, लेकिन इनका प्रयोग आप आईएनजी में नहीं कर सकते हैं। नो का भी नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड का भी नहीं कर सकते हैं, और बिलोंग का भी नहीं कर सकते हैं। बाकी मैंने बोली एग्री, डिसएग्री, प्रीफर, हेट, ये सब वर्ब्स आईएनजी में ना करें आप। तो यहां लिखा आई वॉज नॉट नोविंग, जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया मैंने कहा अगर दिया गया वाक्य कंटिन्यूअस है तो आप इंडेफिनेट ले लें, अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट ले लें आप। तो ध्यान से देखें किसमें है, आई वॉज नॉट नोविंग, जैसे आपने नोविंग देखा तुरंत समझ जाएं कि आप कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो हमको किसमें आना होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ध्यान से देख ले, समझ जाएंगे आप। आई डिड नॉट नो, वैसे भी देखेंगे हैड नॉट नोविंग कभी हो नहीं सकता था क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। आई एम नॉट नोन का कोई मतलब नहीं था, इसका होगा मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो यहां कोई सेंस नहीं था, यही होगा आई डिड नॉट नो द आंसर, यानी मुझे आंसर नहीं पता था, सो आई ओमिटेड द क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ओमिट कर दिया, हटा दिया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा है, देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैक नोल हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड विल अपीयर इन द सेकेंड पार्ट। मैं इसे पढ़ रहा हूं, सोचे कौन सा सही होगा। ये सही है, जैक नोलन ऑन हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड विल अपीयर इन द सेकेंड पार्ट, या जैक नोलन ऑन हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड ऑन विल अपीयर इन द सेकेंड पार्ट, या जैक नोलन हुज नॉवेल द फिल्म्स आर विल अपीयर इन द सेकेंड पार्ट, या मिस कोई नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा और ये कुछ सही होगा। छोटा सा क्लू लीजिए आप, बिल्कुल छोटा सा क्लू, और आप देखेंगे कि आपका आंसर मिल जाएगा। वो क्लू क्या हो सकता है, वो क्लू है हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड। ये बेस्ड वर्ड है, आप याद होगा, चाहे बेस्ड का प्रयोग है, चाहे काउंट का प्रयोग है, चाहे रिलाई का प्रयोग है, चाहे बैंक का प्रयोग है, चाहे डिपेंड का प्रयोग है, इनके साथ हमारा प्रीपोजिशन क्या होता है, आन होता है ना, यानी आन लगाना हो, क्यों लगाना होगा ये भी देखते हैं। जैक नोलन नाम है, हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड ऑन होना चाहिए, यानी जिनके नॉवेल पर फिल्म्स आर बेस्ड ऑन, यानी नॉवेल्स जिनके नॉवेल पर फिल्म्स आधारित हैं, वो जैक नोलन विल, ये तो सही है, विल अपीयर इन द सेकेंड पार्ट, बिल्कुल भी सही है, इसी में करेक्शन करना है। तो पहला ऑप्शन देखें, जैक नोलन ऑन हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड, सही है, विल अपीयर इन द सेकेंड पार्ट। दूसरा देखते हैं, जैक नोलन ऑन, सही है, ऑन हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड ऑन, यहां भी ऑन और यहां भी ऑन, इसलिए सेकेंड पार्ट गायब हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं, जैक नोलन हुज नॉवेल द फिल्म्स आर, गलत है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, जैक नोलन ऑन हुज नॉवेल द फिल्म्स आर बेस्ड, ए ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर तैयार करें आप, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, प्री में भी और मेंस में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। और मैं फिर आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे अब तक सब्सक्राइब ना किए हो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे लाइक कमेंट शेयर कर रहे हो वो ये ध्यान रखें कि आपको अपने टीचर को सपोर्ट करना ही चाहिए, जैसे अपने फादर को चाहते हैं सपोर्ट करना, वैसे उस टीचर को भी सपोर्ट करें, क्योंकि उसका भी एकमात्र लक्ष्य यही है कि वो आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना न भूलें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है, गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, गैस के बुलबुले छोड़ना, तो गैस के बबल्स यानी बुलबुले छोड़ना क्या होगा, ए फेस होगा, ए फर्वेस होगा, ए फ्लोरेस होगा, या एफ्यूसिव होगा, क्या होगा, इफेस, इफेस में से आता है इफेस, मिटा देना, किसी चीज को इरेज कर देना, हटा देना, इफेस करना होता है। इफर्वेस क्या होता है, इफर्वेस वही होता है जो आप सोच रहे, गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस यानी बुलबुले छोड़, तो गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस इफर्वेस हो जाएगा। इफ्लोरेस क्या होता है, फूलों का जो खिलना होता है, पुष्पित होना, पुष्पन होना, वो इफ्लोरेस होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, काम आएगा, सी वाला ऑप्शन, स्पेलिंग एरर में भी आपको दिया जाता है, इफ्लोरेसेंस, एस सी ई एन सी ई होता है, इफ्लोरेसेंस में पुष्पन, फूलों का खिलना। एफ्यूसिव कौन होता है, जैसे मान लीजिए मुझे आपको आपके प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को, अपने प्लेजर को प्रकट करना है, और मुझसे हार्डली यानी बहुत अधिक उत्साह के साथ भावनाओं से भर करके मैं उस ग्रेटिट्यूड की भावना को प्रकट कर रहा हूं, तो मैं एफ्यूसिव हूं, यानी मैं
जोश से, उत्साह से भरा हुआ हो, तो एफ्यूसिव वन इज फुल ऑफ फीलिंग्स, ऑफ व्हाट यू कैन से एंथुसियाज्म, जो उत्साह की भावनाओं से भरा होता है वो एफ्यूसिव होता है. तो गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, क्या हो जाएगा, इफर्वेस, बुलबुली छोड़. गिल्टी ऑफ द क्राइम, जो अपराध का दोषी वो कौन है, वो रूथलेस है, वो कल्पेबल है, वो सस्पिशियस है, या वो डेयरिंग है. गिल्टी ऑफ द क्राइम, कौन सा आंसर दो. ये धीरे धीरे आप बन रहे हैं. मैं फिर आपसे कहूंगा सजेशन के रूप में, आप ये जो कर रहे हैं ये आपकी प्रिपरेशन नहीं. यहां ज्यादातर बच्चे आप में से जान रहे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके लिए यहीं पे फाइनल है, वो कर लें. लेकिन जो बच्चे पहली बार या थोड़ा बहुत इसे सॉल्व कर रहे हैं, पहली दूसरी बार, वो बच्चे समझें. आप यहां पढ़ रहे हैं, इसे फिर से रिपीट करें, अपने घर पे बना लें इस सर की पहली दूसरी तीसरी चौथी वीडियो को लगातार क्या करना है, देखना है. इससे आपका एक मुफ्त पूरी क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी. ये सुझाव है बच्चों, आप इसे फॉलो करेंगे निश्चित ही आपके काम आएगा. तो गिल्टी ऑफ द क्राइम रूथलेस नहीं होगा. रूथलेस मीन्स होता है जिसके अंदर रूथ न हो. रूथ मीन्स दया होती है, रूथलेस. वैसे रूथ बाइबल का एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर बनाया गया ये वर्ड. रूथ एक ऐसी महिला का नाम था जो दया की प्रतीक थी, प्रतिमूर्ति थी. और लेस समझते होंगे, एडजेक्टिव सफिक्स है. तो रूथ लेस यानी जिसके अंदर दया ही न हो वो रूथलेस है. कल्पेबल, कल्पेबल कौन होता है, जो दोषी होता है. तो दोषी है ना, गिल्टी ऑफ द क्राइम, तो जो अपराध का दोषी है वो कल्पेबल है. सस्पिशियस समझते होंगे, सस्पेक्ट से सस्पिशन बनाए, सस्पिशियस बनाए. सस्पिशियस में संदिग्ध, जिसमें इतने संदिग्धों को पकड़ा गया है, तो इतने सस्पेक्ट्स या इतने सस्पिशियस लोगों को पकड़ा गया है. जब किसी की कोई एक्टिविटी संदिग्ध होती है तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, और जब कोई व्यक्ति संदिग्ध होता है तो वो सस्पेक्ट होता है. अगर आप न्यूज चैनल्स वगैरह सुनते हो तो आप अक्सर सुनते होंगे इतने सस्पेक्ट्स पर निगाह रखी जा रही, यानी इतने संदिग्धों पर निगाह रखी जा रही. अंतर समझिएगा, सस्पिशियस कोई एक्टिविटी होती है, कोई चीज होती है. सस्पेक्ट वो व्यक्ति होता है जिस पर सस्पेक्ट शक किया जा रहा है, और सस्पेक्ट वर्ब भी होती है, सस्पेक्ट में शक करना भी होता है. यानी सस्पेक्ट दोनों है, सस्पेक्ट वो व्यक्ति भी है जो संदिग्ध है, और सस्पेक्ट वो वर्ब है संदेह करना. डेयरिंग समझते होंगे, डेयर से बना है, डेयर में साहस होता है, तो डेयरिंग साहसिक, जो ऑडिशस होता है वो बोल्ड होता है वो डेयरिंग होता है. सेंटेंस अरेंजमेंट, प्रश्न नंबर 16 देखिए, पढ़ लेते हैं. चिल्ड्रेन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स, बच्चे केवल अकेले नहीं होते हैं हु कैन फ्लाई काइट्स, जो पतंगों को उड़ा सकते हैं. इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देर आर काइट फेस्टिवल्स, कुछ ऐसे देश होते हैं जैसे मलेशिया है, वहां पे काइट फेस्टिवल्स होते हैं. थोड़ा सा देखेंगे, मैच नहीं कर रहा, कम कर रहा. दीज एक्सपर्ट्स आर मोस्टली एडल्ट अमेच्योर्स काइट फ्लायर्स, अभी कहीं भी हम एक्सपर्ट्स की बात नहीं किए हैं, तो क्यों कतई कभी नहीं आए. काइट फ्लाइंग इज अ गुड लेजर एक्टिविटी फॉर पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन, मैच कर रहे हैं. चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स, नहीं, बच्चे इकलौते नहीं होते हैं जो पतंग उड़ाते हैं. काइट फ्लाइंग इज अ गुड लेजर एक्टिविटी, ये कहीं कहीं खाली समय का कार्य भी है फॉर पेरेंट्स, यानी मनोरंजन का समय है पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ जो मनोरंजन करते हैं. सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम, ये तय है कि जो एस है इसके बाद ही ये क्यू आएगा. सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स, और जो एस है वो निश्चित ही पी के बाद आएगा. पी के बाद क्यों आएगा, क्योंकि इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देर आर काइट फेस्टिवल्स, ये काइट फेस्टिवल्स हो गया, पी हो गया. इसके बाद ये आएगा, सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स, इस प्रकार का समय, कौन सा समय, ये जो फेस्टिवल है, यानी पी के बाद एस आ गया, और एस के बाद जब भी आएगा दीज एक्सपर्ट्स क्यू आ जाए, यानी पी एस क्यू हमको चाहिए. पी एस क्यू है, पी एस क्यू नहीं है,
पी एस क्यू नहीं है, पी एस क्यू यहां भी है, यहां भी पी एस क्यू है और यहां भी पी एस क्यू है। और आप समझ सकते हैं यहां जो पी है वो शुरू में है, जबकि शुरू में ये आएगा नहीं, शुरू में क्या आएगा, आर आएगा। क्यों? मैंने कहा था काइट फ्लाइंग इज अ गुड लेजर एक्टिविटी फॉर पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन, यानी अगर आर पहले आएगा और पी एस क्यू ब्लू है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, पी एस क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट है, द मोटर कार इज वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस, ने जो मोटर कार है वो मॉडर्न साइंस के सबसे उपयोगी उपहारों में से एक है। वन ऑफ दीज इज द स्मोक एंड पोल्यूशन दैट इट क्रिएट्स, वन ऑफ दीज इज, इनमें से एक है स्मोक एंड पोल्यूशन दैट इट क्रिएट्स, इससे कहीं मैच है? यहां तो हम यूजफुल गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, यहां फिर पोल्यूशन और स्मोक की बात कैसे, पी नहीं आ जाता है। इट हैज मेड शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस जर्नी फास्ट एंड कंफर्टेबल, इट किसके लिए है, द मोटर कार के लिए है, यानी ये क्यों पहले आ सकता है। द अदर इज दैट, अब जैसे आप द अदर इज दैट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको समझ आना चाहिए वन ऑफ दिस इज और द अदर इज, यानी पी के बाद हर हाल में आ रहा है। द अदर इज दैट इट हैज मेड जर्नीज बाय रोड हैजार्डस, हैजार्डस मींस खतरनाक। यहां ध्यान से देखें, यहां इसने कहा ये स्मोक और पोल्यूशन क्रिएट करता है, यानी जो मोटर कार है, और दूसरा है कि जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि यह रोड को जर्नी बाय रोड को हैजार्डस कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, येट फिर भी वी कैन नॉट से दैट अ मोटर कार इज अ ब्लेसिंग विदाउट डिसएडवांटेज, फिर भी हम नहीं कह सकते कि मोटर कार जो है डिसएडवांटेजेस के बिना है, यानी ये जो भी है इसके बाद ये आएगा और फिर ये आएगा, यानी एस पी और आर कहीं है, देखिए एस पी आर नहीं और एस पी आर यहां भी नहीं, यानी अब ये एस पी आर आएगा। अब ये देखते हैं क्या क्यू पहले आएगा, तो द मोटर कार इज वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस क्यू है ना, इट हैज मेड शॉर्ट, यानी क्यू सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, क्यू के बाद, एक ही ऑप्शन है क्यू का आपका, यानी क्यू एस पी आर सारे ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। अच्छे से देखेंगे आप तैयार करना सीख जाएंगे, इस तरीके से आप केवल प्री ही नहीं मेंस भी अपना तैयार कर लेंगे, और इस तरीके से कड़ी कड़ी को जोड़ना आपको आ जाएगा, कहानी को बनाना। पीक्यूआरएस सिस्टम जो है आपका वो दिया इसलिए जाता है कि क्या आप कहानियों को जोड़ना सीख सकते हैं। दो ही लेवल पे पीक्यूआरएस दिया जाता है, एक एक कोई सेंटेंस है उसकी क्लासेस को अलग अलग तोड़ के दे दिया जाए, एक पूरी एक कहानी है अलग अलग क्लासेस में ही आपको दिया जाए, ये अलग अलग क्लासेस है, लेकिन कभी कभी एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट अलग, वर्ब अलग, ऑब्जेक्ट से एडवर्बियस अलग, ऐसे दे दिया जाता है। दोनों लेवल्स तैयार करें काम आए। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा सही, ये थोड़ा सा टेक्निकल है वर्ड, अगर इस टिपिकल वर्ड को आप तैयार कर लेते हैं तो आप कर लें, अगर आप इसके प्रोनाउंसिएशन को ऐसे बोले लैक अडैशिकल तो आपको आसान हो जाए, लैक अडैशिकल, ध्यान से देखें लैक ऑडिसिकल है नहीं है, लैक डैसिकल है नहीं है, लैक लैकिस डिसिकल है नहीं है, लैक देखे है अडैशिकल, तो लैक ये लैक से बना भी है, लैक डैसिकल मीन्स कोई जो आलसी होता है लापरवाह होता है वो लैक डैसिकल होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बाकी ऑलरेडी आपके गलत। वॉइस फ्री के नंबर्स मिलेंगे आपको, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस टू हिज होम विद अ बिग स्माइल, सबसे पहले हमने देखा अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस, इन वी आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सो वी विल हैव टू टेक द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके वी आर ऑलवेज वेलकम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, अंकल इज ऑलवेज वेलकमिंग ये तो वही है आपका एक्टिव पैसिव, A big smile is used by uncle always. स्ट्रक्चर गलत है, वेलकमिंग भाई अंकल गलत है, सोच देखें वैसे भी आप देखेंगे अगर आप समझते हो अंकल सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है,
वेलकम्स वर्ब है और इस वर्ब का अंकल हमेशा स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं? अश हमारा, यानी यहां पे अस क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जब भी बनेगा क्या बनेगा? वी। और टेंस भी आपका था ऑलवेज वेलकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है। वी आर ऑलवेज वर्क थर्ड फॉर्म वेलकम और बाई अंकल है यानी ए ऑप्शन। द ओल्ड मैन सेड टू मी, ओल्ड मैन ने मुझसे कहा, लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन, जीवन ने मुझे कुछ कठिन सबक सिखाए हैं, कठोर सबक सिखाए हैं। जीवन वैसे भी कठिन सबक ही सिखाता है। मेरा डायलॉग हमेशा याद रखेगा, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते हैं वक्त उनकी भी कदर नहीं करता है, और वक्त अच्छे से उन्हें सिखा देता है। वो लैपटॉप के डिस्चार्ज हो गया था, सॉरी। देखिए फिर से, द ओल्ड मैन सेड टू मी लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन्स। सेड टू मी है यानी जब भी बनेगा ये पास्ट में जाएगा। Life has taught me, कौन सा टेंस है? Present perfect, किसमें चाहेंगे हम? Past perfect में, यानी हमको had का प्रयोग करना है। The old man tells me, कभी भी हो सकता है कभी नहीं। The old man told me this that life has, this की भी जरूरत नहीं थी यहां पे, और life के साथ has ही है, गलत है। The old man tells me that life is, हो सकता है क्या? The old man told me that life है, इतना आसान आपको नरेशन दिया था, और देख के आपको ऐसा लगेगा कितना कठिन है, बहुत इजी नरेशन। वेस्ट क्वेश्चंस हमेशा इजी रहेंगे अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया हुआ है। तो द ओल्ड मैन सेड टू मी लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन्स, तो द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट लाइफ हैड टॉट हिम, सेम टॉट हिम सम हार्ड लेसन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लोज टेस्ट, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6। द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया, विदेशी मीडिया, द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज टू बी डैश बाय स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स कठोर नियम। तो जो फॉरेन मीडिया है उसकी एंट्री कठोर नियमों के द्वारा क्या होनी चाहिए? कठोर नियमों के द्वारा गवर्न होनी चाहिए, रिजेक्टेड होनी चाहिए, डिजेक्टेड होनी चाहिए या रिटेन्ड होनी चाहिए? देखिए मैं फिर कहूंगा, जो बच्चे इन्फॉर्म कर रहे हैं वो सारे बच्चे यही बता रहे हैं कि आपके क्लोज टेस्ट एग्जाम्स में आपको दिए जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिए जा रहे हैं। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस करके, जिन बच्चों के आगे एग्जाम्स हैं या आगे जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत फायदा आपको करेगा। तो द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज टू बी गवर्नड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स, हैज टू बी रिजेक्टेड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स, हैज टू बी डिजेक्टेड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स या हैज टू बी रिटेन्ड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। अब अगर हम मीनिंग जानते तो हम कर लेंगे। गवर्न मीन्स नियंत्रित करना, रिजेक्ट मीन्स मना कर देना किसी चीज को, डिजेक्टेड वही है मतलब निराश हो जाना किसी चीज को, डिजेक्शन की तरफ ले जाना, रिटेन बनाए रखना किसी चीज को। जैसे रिटेन अक्सर सुनते आईपीएल आप देखते होंगे, तो फला फला खिलाड़ी को रिटेन किया गया यानी उन्हें रोके रखा गया, होल्ड ऑन किया गया। तो द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया यानी फॉरेन मीडिया की एंट्री को कठोर नियमों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? गवर्न किया जाए यानी उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए। किसको? फॉरेन मीडिया, फॉरेन मीडिया को कठोर नियमों कानूनों के द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए। एनी इंटेंशन टू डैश, पहले पढ़ देते हैं इसको, एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री यानी कोई भी ऐसा इरादा, द कंट्री जो देश को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, जो राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से, और एनी अटेम्प्ट या फिर कोई भी ऐसा प्रयास एट कल्चरल डैश इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव, जिससे आप अपने देश को स्लेव बना रहे हो टू द डिजाइंस ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं उनकी सोची समझी साजिश का अगर आप अपने देश को गुलाम बना रहे हो, वुड नॉट बी, तो इसे क्या नहीं किया जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं।
एनी इंटेंशन टू द कंट्री पॉलिटिकली आरोपना कोई भी ऐसा इरादा जब आप अपने देश को राजनीतिक या आर्थिक रूप से ग्रैपल नहीं करना चाहते या ग्रैपल करना चाहते हैं, अपने देश को आप क्रिपल करना चाहते हैं, अपने देश को आप स्क्रपल करना चाहते हो या अपने देश को आप स्ट्रपल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी कब कर पाएंगे आप? जब आपके पास इस चारों वर्ड्स की हिंदी आपको आएगी तब, और ये जो लाइन लिखी है इसकी हिंदी आप समझ पाएंगे तब। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको क्लोज टेस्ट वगैरह करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, पिक वाइज करना है, तो हिंदी अर्थ समझना आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि ग्रैपल, जब आप किसी से हाथापाई करते हैं, उलझते हैं, तो आप ग्रैपल करते हैं, उससे ग्रैपलिंग करते हैं। क्रिपल, जब आप किसी को पंगु बनाते हैं, वीकेंड करते हैं, उससे उसकी स्ट्रेंथ में कमी ले आते हैं, अर्थात उसे कमजोर करते हैं। स्ट्रपल, जब आपको पता है कि आप मतलब कोई कार्य गलत हो रहा है और उस गलत होने के कारण आप उसे करने से हिचकिचा रहे हो, आप हेजिटेट हो रहे हो, तो आप स्क्रपल कर रहे हैं। हिचकिचाना मीन्स कहीं कहीं एक संदेह करना कि नहीं वो कार्य करना सही रहेगा कि नहीं, ये स्क्रपल करना होता है। स्ट्रिपल क्या होता है? स्ट्रिप से बनाए, जब आप बिंदी बिंदी लगा करके कोई चित्र बना रहे हो, चित्रित कर रहे हो, तो आप उसे स्ट्रिपल कर रहे हैं। आप डॉट डॉट के द्वारा जब आप कोई चित्र बना रहे हैं, तो क्या यहां हाथापाई करने का कोई मकसद है? अपने देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या करने की बात की जा रही है? क्रिपल करने की बात की जा रही है, पंगु बनाना, कमजोर कर देना। तो फिर स्क्रपल और स्ट्रपल का कोई नीड नहीं। स्ट्रपल यानी हिचकिचाना कोई कार्य करने से, क्योंकि गलत हो सकता है। स्ट्रिपल यानी डॉट डॉट्स के द्वारा, पूरे बिंदुओं के द्वारा चित्र बनाना। तो एनी इंटेंशन टू क्रिपल हो जाएगा, एनी इंटेंशन टू क्रिपल द कंट्री, कोई भी ऐसा इरादा, कोई भी ऐसी सोच जिससे देश जो है वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो। आर या एनी अटेम्प्ट, कोई भी ऐसा प्रयास एट कल्चरल डैश, जब आप सांस्कृतिक एक्सटिसिज्म की तरफ जाएं, कॉलोनियलिज्म की तरफ जाएं, इंपीरियलिज्म की तरफ जाएं, या डॉगमेटिज्म की तरफ जाएं, क्या हो सकता है? कोई भी ऐसा सोच, कोई भी ऐसा इरादा जिससे आपका देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्रिपल हो, कमजोर हो। और एनी अटेम्प्ट या कोई भी ऐसा प्रयास एट कल्चरल, जो आपकी संस्कृति के ऊपर एब्सेंटीज़म हो, अर्थात अनुपस्थिति का हो, कोई मतलब नहीं। आपकी संस्कृति पर कॉलोनियलिज्म हो, मीन्स उपनिवेशवाद हो, नहीं मतलब है। आपकी संस्कृति पर इंपीरियलिज्म हो, सही है, साम्राज्यवाद, यानी जब आप अपनी शक्तियों, अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप इंपीरियलिस्टिक होते हैं, मीन्स इंपीरियलिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो कोई भी ऐसा इरादा जो आपके देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्रिपल कर रहा हो, और कोई भी ऐसा प्रयास जो आपकी संस्कृति को साम्राज्यवादी नीतियों से गवर्न कर रहा हो, टू मेक द कंट्री, ताकि आपके देश को अश्लेव, क्या बनाया जा सके, गुलाम बनाया जा सके, किनका, टू द डिजाइंस ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, यानी जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं, उनकी सोची समझी साजिश के तहत अगर आपके देश को गुलाम बनाया जा सके, तो वुड कोई भी ऐसी सोच या कोई भी ऐसा प्रयास वुड नॉट बी, नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, वुड नॉट बी अबेटेड, कम नहीं किया जाएगा उस प्रयास को, या वुड नॉट बी कॉन्फिस्केटेड, उस प्रयास को जब्त नहीं किया जाएगा, उस प्रयास को सीज नहीं किया जाएगा, अपने अधिकार में नहीं कर लिया जाएगा, उस प्रयास को एसिमिलेट नहीं किया जाएगा, अलग अलग मिला नहीं लिया जाएगा, या उस प्रयास को टॉलरेटेड, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ऐसे किसी भी प्रयास को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये नहीं होगा। फिर से देखिए, एनी इंटेंशन टू क्रिपल, कोई भी ऐसा इरादा, कोई भी ऐसी सोच टू क्रिपल, जिसमें कमजोर करना हो द कंट्री, हमारे देश को पोलिटिकली और इकोनॉमिकली, क्या आप हमारे देश को राजनीतिक या इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हो? कौन कमजोर करना चाहता हो? वो फॉरेन मीडिया है ना। तो कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसा इरादा जिसमें आप हमारे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं,
आर या एनी अटेम्प्ट या फॉरेन मीडिया कोई भी ऐसा प्रयास करती है एट कल्चरल इंपेरियलिज्म कि वो अपनी संस्कृति को हमारी संस्कृति के ऊपर विस्तारवाद की नीति अपनाए अर्थात अपनी संस्कृति को हमारी संस्कृति के ऊपर हावी कर दे अपनी संस्कृति को वो एक्सटेंड करना चाहते हो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा कोई भी प्रयास एट कल्चरल इंपेरियलिज्म इन ऑर्डर टू मीन्स के उद्देश्य इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री स्लेव ताकि आप हमारे देश को गुलाम बना ले टू द डिजाइंस ऑफ इंटरनेशनल पावर्स किसके तहत अंतरराष्ट्रीय ताकतों की साजिशों के तहत उनके उस ढांचे के तहत वुड नॉट इस प्रकार का कोई भी इरादा इस प्रकार का कोई भी प्रयास वुड नॉट बी टॉलरेटेड क्या नहीं किया जाएगा सहन नहीं किया जाएगा लास्टली इफ द फॉरेन मीडिया यदि विदेशी मीडिया इज कीन कीन मीन्स उत्सुक एलोक्वेडस या फिर ईगर इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन यदि फॉरेन मीडिया उत्सुक है ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए ऑन द इंडियन सॉइल कहा भारतीय धरती पर यदि फॉरेन मीडिया भारतीय धरती पर भारतीय जमीन पर अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराने के लिए उत्सुक है तो उस मीडिया को क्या करना पड़ेगा रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी तो आपको हमारे देश की एकता एंड अब यूनिटी है तो क्या होगा यूनिटी का अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही से कोई रिलेशन है क्या यूनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से कोई रिलेशन है क्या यूनिटी का इंटीग्रिटी से कोई रिलेशन है क्या है ना यूनिटी का इंटीग्रिटी से तो है यूनिटी मीन्स एकता और इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता और वल्नरेबिलिटी क्या होता है जब आप किसी चीज का आसानी से शिकार हो जाते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं आपके अंदर वल्नरेबिलिटी है जैसे समय धीरे धीरे चीजों को खा जाता है यानी वो चीजें क्या है वल्नरेबल तो इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस ऑन इंडियन सॉइल यानी यदि विदेशी मीडिया भारतीय धरती पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए उत्सुक है तो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी तो उसे भारत की इस देश की एकता और अखंडता को क्या मानना होगा एसेंशियल आवश्यक मानना होगा यानी उसको कहीं कहीं हमारी उस एकता और अखंडता की को रिस्पेक्ट देना होगा और ये रिस्पेक्ट देना इज एसेंशियल उनके लिए क्या है आवश्यक है जरूरी यानी अगर वो हमारी एकता हमारी अखंडता को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो फिर उन्हें यहां से हटा देना चाहिए ये लेखक का विचार है फिर से पूरा देख लेते हैं The entry of foreign media has to be governed by strict rules. सही है? Any intention to cripple the country politically or economically? कोई भी ऐसा इरादा जब आप हमारे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं पंगु बनाना चाहते हैं और any attempt at cultural imperialism? या फिर आप अपनी संस्कृति को हमारे यहां विस्तारवादी नीति के तहत फैलाना चाहते हो इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री स्लेव ताकि हमारे देश को आप दास बना सके गुलाम बना सके टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के डिजाइन उनकी सोच के तहत तो वुड नॉट ऐसी कोई भी सोच ऐसा कोई भी प्रयास वुड नॉट बी टॉलरेटेड क्या नहीं किया जाएगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा If the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, यदि विदेशी मीडिया भारतीय जमीन पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए उत्सुक है तो respect for the country's unity and integrity is essential. नहीं, respect is essential. यानी हमारे देश की एकता और अखंडता का सम्मान उसके लिए क्या है मीडिया के लिए फॉरेन मीडिया के लिए essential है आवश्यक है वर्ष है आपके ये छठवा सेट आपका है यानी 150 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट में इसके अलावा मैंने कहा मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा वहां एमबी के 14 सेट्स आपको मिलेंगे क्लोज टेस्ट के कई सारे सेट्स आपको अलग से मिलेंगे जो क्लोज टेस्ट के सेगमेंट में होंगे अलग अलग सेगमेंट्स को देखें जो बच्चे टेंस नहीं समझते हो वो टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 में देखें जो बच्चे चाहते हैं इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें वो बच्चे हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश में देख लें जो बच्चे प्रिपोजिशंस को बेहतर करना चाहते हो वो प्रिपोजिशंस के सेक्शन में मेरे देख लें
अलग अलग कई सारे सेक्शंस हैं, ग्रामर के सेक्शंस हैं, क्लोज टेस्ट के सेक्शंस हैं, एमबी के सेक्शंस हैं, ये प्रैक्टिस सेट्स के सेक्शंस हैं, अलग अलग हैं। आप एक सिस्टमैटिक पढ़े। अभी जो बच्चे सीजीएल में अपियर हो रहे हैं वो अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक से लेकर छह तक ये जो आप पढ़ रहे हैं एक साथ इसे क्या कर डालें, रिविजन कर। आपको एक विश्वास हो जाएगा कि छह सेट्स हमारे क्या हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं। इसी तरह एमबी आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक से लेकर 14 तक वो सेट्स क्या कर डालें, प्रिपेयर कर डालें। कितना मिनट, जल्दी जल्दी देखते जाएं भगा भगा के, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं वीडियोस पर है। आप जल्दी से आपने देखा इसका वजह ये है, आगे बढ़ जाए। ये 14 सेट्स एमबी के और ये आपके 6 सेट्स यानी 20 सेट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से आप तैयार कर सकते हैं और विश्वास करें निश्चित ही इससे आपको आपके एग्जाम में फायदा होगा। तो अगर वो फायदा लेना चाहते हैं तो आप इन्हें रिवाइज करते रहे, देखते रहे और कल फिर 8 बजे मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। मैं बता दूं कि मंडे से ये बैच मैं 9 बजे के आसपास से कर दूंगा ताकि आराम से आप अपना खाना वगैरह जो बच्चों को बनाना है, जो बच्चे शाम को कोचिंग से छूटते हैं उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं 8 बजे से ही, तो मैं 9 बजे से कर दूंगा ताकि 9 से 10 आप आराम से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।